अभी देखो शाम का टाइम हो रहा है और हमारे गार्डन को लग रहा है पानी। तो ये देखो यहाँ से हम ऐसे नल खोल देते हैं तो यहाँ से पानी जाता है। कल रात का टाइम था ना तो मैं बाहर से निकली हुई थी, दे रही थी। अभी देखो ऐसे पानी खोला हुआ तो पूरे हमारे गार्डन में अच्छे से पानी लग जाएगा। अभी देखो कि जो ग्रास लगा कर गए हैं ना, इसमें ना सारी घास निकल रही है ऊपर ऊपर से, ये सारी निकालनी पड़ेगी, इसकी सफाई होगी। तो देखो इतना बड़ा पाइप है ना, ऐसा बचा हुआ भी है, थोड़ा और भी है, तो मैं सोच रही हूँ ऊपर बालकनी में भी ऐसा ही पाइप लगा दें। अजान नहीं हुई चाचू, अभी देर है। और बाकी इसके अलावा मैंने शू रैक लिया, तो इसके लिए ढेर सारे कमेंट आए कि आपने कितने में लिया का। तो ये मुझे मिला है 22,000 का, ये इतना अच्छी क्वालिटी का है ना, आप इसको अभी लो ना, आपके बड़े, आपके बच्चों के बड़े होने तक भी ये लकड़ी कभी खराब नहीं होगी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो बहुत चलेगा। देखो स्पेस भी बहुत है, और अगर ऐसे गेट में सामने एंट्रेंस में भी रखो ना तो बुरा नहीं लगता कि जैसे जूते सामने से दिख रहे हों, ये बिल्कुल बंद हो जाता है और बहुत प्यारी भी लगती है। चाचू मेरी बातें सुन रहे हैं, चाचू अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे होंगे कि आगे चल के लूंगा मैं भी, इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखो ये मैंने निकाली हूँ इनकी यूनिफॉर्म, अभी यूनिफॉर्म वॉश करना है, अभी जल्दी से ऊपर जो शाबाश सुबह। आप दूसरे वॉशरूम में चले, दूसरे मेरे वाले वॉशरूम में नहीं पड़ा, दोनों वॉशरूम में चलिए, दोनों। और यहाँ पर ये देखो ये बैठी है मेरी रानी, 2 घंटे हो गए ऑयलिंग केस के, तो अब इसको भी चलकर नहलाती हूँ मैं, वे कार्टून देख रही है। और आज हमारे घर पे बनेगा कलेजी का सालन। ये देखो ये वाले आलू मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये जो है ना ये ज्यादा अच्छे बनते हैं, जैसे उसपे ना इस तरीके की स्किन निकल रही होती है, ये मीठा आलू नहीं होता, ये थोड़ा वो होता है नमकीन होता है, ये बहुत टेस्टी बनेगा। और इस दफा जब अम्मी आलू का सालन बनाएगी ना मैं जरूर शेयर करूंगी। आज बनेगा हमारे घर पे कलेजी का सालन, कल मैंने सोचा था नहीं बना सके। और बाकी इस साइड पर लगी हुई मशीन बच्चों की यूनिफॉर्म धुल रही है, जो व्हाइट शर्ट है और मुस्तफा की जो पैंट है अभी फिलहाल वही डालिए, और जो और आयत की स्कर्ट है शर्ट के साथ की वो इसमें नहीं डालती क्योंकि उसका रेड कलर बहुत निकलता है। और बाकी इसके साथ ये रही इनकी सॉक्स, ये थोड़ा सा ब्लीच और सर्फ डाल के भिगो के रख दिया, 1 घंटा इनको रखूंगी तो ये अच्छे से नीट हो जाएंगे। यहाँ पर आयत ने नहा लिया, नहाते ही फौरन से हमेशा जैसे सो जाती है, वही आदत पता नहीं इसकी कब तक रहेगी। अभी ये 4th साल में मुझे लगता है इसकी ये वाली आदत बड़े होने तक रह जाएगी, नहाकर हमेशा सोने की। और बाकी अभी यहाँ से मैंने मैट हटाया है, यहाँ से मैंने पूरा लगा लिया पोछा, देखो अच्छे से फर्श कैसे चमक रहा है ना, नीट हो गया ना। अभी यहाँ पे मैट नहीं बिछाते, थोड़ा ड्राई हो जाए ना। अच्छा अभी खुशबू वाला पोछा लगाया है तो थोड़ी देर ऐसे रहने देती हूँ। दूसरे रूम में मैं ब्लैंकेट रखती हूँ, अभी क्या है कि मेहमान है इस वजह से, तो ब्लैंकेट जो है ना मैंने अभी फिलहाल मुस्तफा के यहाँ टेबल पे रखा हुआ है। जैसे आयत सो रही है जल्दी से मैं भी नहा धो के आपको वापस से मिलती हूँ। इसने बनाए हुए मूड, इसको कहाँ जाना है, बड़े बड़े झूले इसने जब से देखे हैं तब से कह रही है कि आयु। आपने बोला था आप अगले सैटरडे संडे आए तो आप बोलने अगले सैटरडे। मैं इनको हर दफा ये बोल कर आती हूँ कि नेक्स्ट वीकेंड पे, और इस दफा आपको पता है घर पे मेहमान आए हुए हैं, कि पापा भी पूरा दिन घर पे नहीं थे, अभी वापस आए। नहीं, नहीं। आप तो नहीं खुला होगा, खुला होता है। करूँ क्यों नहीं, बा काम करूँ क्यों नहीं, बात करूं नहीं जाना कोई, अगले वीकेंड पे पक्का प्रॉमिस है। मैंने मामा की जान नहीं हो, अगले संडे भी यही बोलूंगी, ये वो अगले संडे पे रख ले, अगले अगले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और देखो मेरी मैचिंग कैसी अच्छे से हो रही है ना बेड के साथ। तो अभी अभी नहा धो के फ्रेश हुई हूँ, आज संडे का दिन बहुत बिजी था, क्योंकि फ्रेश होकर आई हूँ ना उसके बाद मुझे चाहिए थी चाय, चाय पीने का ना वैसे पहले से ही दिल कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं नहा लूँ उसके बाद सुकून से बैठ के यहाँ पर अपनी चाय पीऊंगी। इसके अलावा तैयबा ऐसी चिड़ी हुई ना, कभी कभी ऐसे चिड़ती है मेरे साथ क्योंकि अगर बच्चों की बातें पूरी ना करो और उनको बोलते रहो, 1-2 हफ्ते तो सबर करती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब से हम यहाँ पर आए ना, ये अयूब नेशनल पार्क, ये जब बाहर जाते ना पार्क में सब्सक्राइबर मिले या नेबर कोई भी इनको मिलता है ना, तो इनको सब ने बताया यहाँ पे यहाँ का बहुत बड़ा पार्क है अयूब पार्क नेशनल पार्क, वहां पर जाना, अपनी मम्मा को बोलो आपको वहां पर ले चलेंगे। कल भी रात को इनको सब्सक्राइबर पार्क में मिले हैं, कोई आंटी मिली है तो उन्होंने कहा है कि वहां पर जाओ पार्क में, तो वो बहुत प्यारा पार्क है। और 1-2 बार मैंने भी रास्ते में इनको दिखा दिया। तो मेहमानों को जाहिर सी बात है टाइम देना पड़ता है, उनके साथ भी बैठना पड़ता है। अभी जैसे फ्रेश होकर आए इनके पापा गए थे बाहर, तो अभी जैसे आए हैं तो कहती अभी पार्क चलो, टाइम ज्यादा हो रहा है। ट्यूशन टीचर कैसी है, बहुत अच्छी है। बहुत सब अच्छा चल रहा है। हाँ, न्यू सिटी में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा
जल्दी हम सेटल हो गए, जल्दी फ्रेंड्स बन गया, और एक चीज हो गई, ये मैंने एक्सपेक्टेड। क्या एक चीज हो गई? इनके फ्रेंड्स बन गए जल्दी से, हम यहाँ पे सही सेटल हो गए इतने कम वक्त में। आप पहले कभी इस्लामाबाद आए? हाँ कई बार। पूरा घूमा आपने? पूरा इस बार आपको, इस बार आपको दो गुना ज्यादा घुमाएंगे। अबू पता है शुरू में इस्लामाबाद इतना घूमे, हम तो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए ना, अगर हमें भी किसी जगह का पता नहीं होगा ना, अबू से पूछेंगे बता देंगे। कई बार। मरी बहुत बार गए अबू। अबू वहाँ ठंड होती है ना? मरी है ना। हाँ सर्दी होती है। हाँ अब ज्यादा हो गया माओ, मरी में गुम हो गए। चलो तैबा को बुला के साथ में फातिमा भी जा रही है, जाकर देखते हैं कि पार्क खुला है या नहीं खुला। बहुत ज्यादा रो रही है उसकी, चलो जिद पूरी कर देते हैं। कहती है नहीं मुझे दिखा दो, भले अगर बंद होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। जितने भी लोग हैं ना यहाँ के लोग सारे इस टाइम पर निकल जाते हैं, वॉक करते हैं। और यहाँ के लोग मैंने नोट किए कि ना बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, सही है, मतलब पतले हैं। और वैसे तो जब हम वहाँ पहाड़ी इलाकों में गए थे ना कश्मीर साइड पर, वहाँ तो सब पतले पतले ही दिखते थे, लेकिन यहाँ पर भी ना हर कोई ऐसी सोसाइटी है कि यहाँ निकल जाते हैं वॉक करते हैं। पार्क हैं, हर घर के पास पार्क हैं, तो बहुत इजी रहता है सबके लिए वॉक करना। ये देखो नोबिता, आपको साथ जाना है? नोबिता को साथ जाना है? मेरे बच्चे के लिए दो बॉल आई हैं, दो खेलता है। नहीं नहीं गाड़ी में डरता रहता है, इसको घर ही छोड़ दो। नहीं ले चलो, बस 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 गाड़ी भगाओ, स्कूल है अभी, पार्क जाना है। और ये देखो इनका घर अभी तक सजा हुआ है। हाँ नोबिता है, नाम हमारे सबसे फेवरेट कार्टून है नोबिता। जब बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, मुझे कोई कार्टून देखने को मिले ना, तो मैं नोबिता के कार्टून देखूंगी। हाँ टैक्सी देखो, ये बड़े जमाने बाद ही मुझे टैक्सी दिखी है ना। टैक्सियां वैसे ये वाली खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर ना ऑटो कम देखा, देखा आपने नोट किया? जैसे कराची में बहुत रिक्शे हैं, जैसे हम यहाँ पर आए ना, मैंने ये चीज नोट की है कि यहाँ पर हमारे सिटी में ना रिक्शे नहीं है, और कराची में हर एक जगह पर इतनी तादाद में बाइक से भी ज्यादा रिक्शे होते हैं, हर एक जगह पर खड़े होते हैं रिक्शे। बस ये रहा अयूब नेशनल पार्क, इस टाइम पे कहाँ खुला हुआ, ये शाम में आना पड़ेगा। लाइटें वाइटें झूलों की सब बंद है, इसको अंदर से और क्या देखना है, बांध देखे थे अभी, और भी अंदर से देखने को। टाइगर हो गयो ये। टाइगर है ये, फिर अभी हम जा रहे हैं वापस। और जाते हुए ना मुझे यहाँ का ना ये वाला व्यू दिन में भी बहुत प्यारा लगता है, दिन में ऐसे सारा दिखता है यहाँ पे पहाड़ों पे जिस जिस के घर हैं, और रात में देखो कुछ ऐसा लगता है लाइटिंग से। ये यहाँ से ऐसे घूम के जा रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है थोड़ा सा, और बहुत प्यारा लगता है। पहाड़ से हम नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ। बस तैयबा पार्क घूम लिया, कितना बड़ा कितना प्यारा था। चलो अभी चलते हैं घर। अयूब पार्क से घूम के आए हैं, पता है आपको, अनार खा रहा है मेरा बच्चा। मेहनत से निकाल के बैठता है, फिर किसी को शेयर नहीं करता, थोड़े से मैं ले रही हूँ। अम्मी बैठी हैं व्लॉग देखने के लिए। बाहर से देखा है ना बंद था पार्क के लिए, मैं जिद कर रही थी कि चलना है। मैंने पूछा अभी, मैं उठी थोड़ी देर में, नींद आ गई थी इधर। अम्मी एक बात पूछनी है, जैसे फातिमा की अभी शादी होने वाली है, तो आप क्या फातिमा को शादी का गिफ्ट देंगी, आपने कुछ सोचा है? नहीं मैंने सोचा नहीं, मैं सरप्राइज दूंगी। ये सही है, अम्मी ने तो बड़ा समझदारी वाली बात की है, सरप्राइज पहले नहीं बताऊंगी, ये अच्छा दूंगी। हाँ दूंगी सरप्राइज, सरप्राइज देंगी दो फातिमा। अब तुम भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और ये देखो हमारे घर पे बनाए कलेजी का सालन, जो कि मैं खाना वैसे यहाँ से खा के गई थी। और ये देखो ये सालन, अम्मी किसने बनाया ये सालन? वो देखी गई थी, वो आपकी खाला नहीं आई थी उस दिन? अच्छा वो जिनको अम्मी मैंने दाल दी थी। हाँ, हाँ, वो दी। पहले पुलाव लेकर आई थी, मैंने उनको इस बर्तन में दाल दिया था, और फिर और ये आज इस बर्तन में वो खाना देख ले भी लेके गई थी। कुछ खा गए हैं बच्चे, बच्चों की यूनिफॉर्म जो है ना बिल्कुल सूख गई है, ड्राई हो गई है, और मैं अभी वॉक करके वापस आ चुकी हूँ। बच्चों को जबरदस्ती ऊपर वॉक के बाद लिटा के आई हूँ कि मेरे पीछे फिर से आ जाएगी। आए तो नहीं है ना, तो 9 घंटे इनको बोलना पड़ता है ना, बस एक दिन ए आज का दिन ना, अभी बीच में जैसे सैटरडे संडे आता है ना, तो इनकी रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाती है रात की, लेकिन फिर अपसेट हो जाएगी। आया वो तो नहीं, अभी एंड में यही काम रह गया, इनकी यूनिफॉर्म इस्त्री करते हैं। यहाँ पे ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है ना,
और बाकी बच गई हैं सॉक्स, तो सॉक्स जो है ना मैं सुबह ही ले जाऊंगी। इनके कपड़े इस्त्री करते हैं। और देखो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सामान था तो वो अभी कुछ कम करा है, दिया छत पे स्टोर रूम में, और यहाँ पर सामने रख दिए बैग इसके ऊपर। और ये मुस्तफ़ा की स्कूटी इसमें पैक हुई हुई, इसे हम कराची से आए थे ना, स्कूटी अभी तक इसकी पैक ही है। आज देखो यहाँ पर स्टैंड भी है पास, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा आसानी है कि यहाँ पर कपड़े जो है ना मैं साथ साथ इस्त्री करके यहाँ साथ साथ हैंग भी करती जाऊँ। यहाँ इस विंडो में जो है ना अपना कैमरा हमने सेट कर लिया है, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अलावा आयत की एक शर्ट है, जैसे ये पहले दिन गई थी ना तो इस पे यहाँ पे ये दाग पड़ा था, ये इंक का। अभी काफी लाइट तो हो गया है लेकिन ये वाला दाग ना इसका जा नहीं रहा, ये देखो ये वाला दाग। जैसे मैं अपने बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री करती हूँ ना तो मुझे वैसी खुशबू आती है जैसे मैं अपने स्कूल की यूनिफॉर्म इस्त्री करती थी। वैसे सर्फ में धुली होती है ना ताज़ा ताज़ा यूनिफॉर्म, तो उनको ना ऐसा खुशबू आ रही होती है उस तरीके की, ऐसी मुझे यूनिफॉर्म से आती है जैसे मैं अपने स्कूल के टाइम पर अपनी यूनिफॉर्म इस्त्री किया करती थी। पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, शादियाँ, फिर उनके बच्चे, फिर उनका सब, यही लाइफ है। जो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं अपने बच्चों की ऐसे यूनिफॉर्म इस्त्री करूं, ऐसे साफ लगे, प्यारी लगे, नीट, और यहाँ पर मैं हैंग करूं, जिसकी वजह से ये मैंने बनवाया, जिस पे यहाँ साथ लगाने का जो सुख मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो चलो ऐसे साथ साथ जो है ना पूरी यूनिफॉर्म हम इस्त्री करके लगाते हैं। मैं सच में स्टैंड की वजह से ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबकी यूनिफॉर्म हो गई, आयत की बस अब स्कर्ट रह गई है। अभी देखो यहाँ स्टैंड पे कितनी प्यारी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। सबकी मैंने शर्ट्स भी अलग अलग करी हैं, और मुस्तफ़ा की पैंट भी अलग ही हैंग करी है, और ये रही तैयबा की स्कर्ट। अब बच गई हमारी आयत की स्कर्ट, इधर ही रहने देती हैं क्योंकि हैंगर अब खत्म हो गया। हैंगर बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ नीचे नहीं। तो ऊपर वाली जो मेरी अलमारी है ना वहाँ पर हैंगर भरे हुए हैं, हैंगर बहुत ज्यादा, हैंगर की कमी नहीं है। मैंने कराची में बहुत सारे लिए थे। जैसे सुबह नीचे नाश्ते के लिए आएंगे तो यूनिफॉर्म भी यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर सही रहेगा। ऊपर अलमारियों में लेकर जाओ, फिर इस्त्री करके फिर ले आओ, मतलब बहुत वो होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा सच में, मुझे घर में कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो ये बना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 15,000 में दोनों मुझे बना कर दिए हैं ऑर्डर पे। जैसे आप कोई भी घर पे जैसे काम कराते हो, घर पे आप कोई भी लोहे का काम कराते हो ना, उनको भी आप ऑर्डर देकर ये स्टील का बनवा सकती हो, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं यहाँ पर आई थी ना तब भी मैं बार बार ये बात बोलती थी कि यहाँ की अलमारियाँ छोटी हैं यहाँ पे, क्योंकि हैंगर कम पड़ते थे ना, ऊपर वाला जहाँ पर हैंग करने वाली जगह वो बहुत कम थी बच्चों के लिए। तो इस वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये मेरी आसानी हो गई। और बाकी ये वाला देखो बच गया, इसको मैंने ऊपर ही रखना है, तो जब तक हमारे घर पे मेहमान है तब तक तो खैर ये इधर ही, फिर मैं इसको अपने रूम में सेट करूँगी। अभी बस मैं भी जाकर सोती हूँ, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैं अपने व्यूज़ की बात कर रही थी, मतलब अपने एक मंथली इनकम की बात कर रही थी, तो सच में आज तक मैंने अपने इनकम की कभी भी वीडियो नहीं बनाई। मुझे दूसरा तीसरा साल है शायद, मैंने कभी भी इस चीज़ का आकर जिक्र नहीं किया कि मेरी इतनी इनकम है, पहले इतनी थी अब इतनी। आज दो साल में देखो मैं पहली बार इस चीज़ पे बोली हूँ कि अगर मैं किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाती हूँ किसी चीज़ पे, तो कहते हैं देखो इसके व्यूज़ कम पड़ गए तो इसको ज़रूरत पड़गी, इसके घर में पैसे कम पड़ गए तो इसको ज़रूरत पड़गी। सिर्फ इस वजह से मैंने वो बनाई थी, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है किसी को दिखावे का, किसी को ये सब बताने का कि मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है वो है। वो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं उसको हाइड कर दूंगी, क्योंकि उसमें जैसे मैंने व्यूज़ का जिक्र किया था कि मेरे पास इतना इतना है, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बताना, मेरे पास ये है वो है वो सारी चीज़ें। और बाकी इसके अलावा आगे आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि फातिमा की आ रही है शादी, तो शादी की हमने ढेर सारी तैयारियाँ करनी है। मैंने अच्छे से अच्छी ड्रेसिंग करनी है और अपना वजन भी कम करने की पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ। और कोई ये शादी सर्दियों में देखने को मिलेगी, और वो भी गांव की शादी सर्दियों में देखने की मिलेगी, जैसे लिश्पा की शादी पर गए थे। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बहुत पिछली दफ़ा से भी अभी और बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छे से सब दिखाऊंगी वहाँ पे गांव की शादियाँ कैसी होती हैं। तो पिछली अलिश्बा की शादी हुई थी ना, वो यहाँ पे मेरा ससुराल था, वहाँ पे अलिश्बा की शादी हुई थी, तो अब हो रही है फातिमा की शादी, ये मेरे मैके वाली साइड से हो रही है, तो वहाँ की भी रस्में आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी अलग अलग है रस्में मेरे मैके के साइड की यहाँ की, तो वो हम सारी रस्में करेंगे। आप सब देखना, बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और मुझे तो सुबह सुबह का वो टाइम याद आता है जब सुबह सुबह मैं अपना चाय का कप लेकर खेतों में जाती थी, वायरस से धुंध होती थी, बहुत अच्छा लगता था वो।
और ऐसे लकड़ियों पे जो है ना, वो लकड़ियों पे जो आग जलाते हैं और उस पर सुबह सुबह चाय बन रही होती, इतना मज़े की लगती है, वो मैं अभी से मिस कर रही हूँ। तो खैर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शादी की तैयारियाँ सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने ये लिया है ये लिया, साथ में मैचिंग हर एक चीज़ अब बना के जाऊंगी। कि वहाँ पे ना गांव की शादियों में ना बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं और हमारी तैयारियाँ कंप्लीट नहीं होती, कभी क्या नहीं मिल रहा था कभी क्या। अब सबके अलग अलग बैग बना के सब कुछ पैक करेंगे। दूसरी बात, गाड़ी हमारी छोटी, इस दफ़ा हम गाड़ी में नहीं, इस दफ़ा हम ट्रेन में जाएंगे अपने गांव, शादी की सारी तैयारियां करके बैग वैग लेकर। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।